हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का फैक्ट्स एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज जो आप हमारे सामने नेक्सॉन का वेरिएंट देख रहे हो ना, ये उन लोगों के लिए है जिनका बजट थोड़ा लिमिटेड है, बट वो सनरूफ के साथ साथ सारे जरूरत के फीचर्स अपनी कार में चाहते हैं। तो गाइस, आज जो हमारे सामने वेरिएंट है ये है प्योर एस। जी हाँ, इसमें आपको सनरूफ का ऑप्शन भी मिलता है एंड ये वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है 10,19,990। एंड ये जो कलर आप हमारे सामने देख रहे हो ये इसका प्योर ग्रे कलर, ये न्यूली इंट्रोड्यूस कलर है इसका एंड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है पर्सनली मुझे। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए देखते हैं इस कार में आपको फीचर क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले आपको LED DRL देखने को मिलेगी जो कि इसके इंडिकेटर का भी काम करती है, साथ साथ में ग्लॉसी ब्लैक कलर की आपको स्ट्रिप देखने के लिए मिलेगी एंड सेंटर में आपको यहीं पे टाटा की बैजिंग आ जाएगी। इसके अलावा फ्रंट ग्रिल को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। आप मुझे बताइए पर्सनली आपको इसकी फ्रंट ग्रिल का डिजाइन कैसा लग रहा है। इस वेरियंट में आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है। एंड बात करूं इस कार के हेडलाइट सेटअप की, तो इस कार में आपको LED हेडलाइट दी जाती है, फॉग लैम्प की प्लेसिंग है, बट फॉग लैम्प आपको इस वेरिएंट में प्रोवाइड नहीं किया जाता। ओवरऑल यार फ्रंट फेशिया को पूरी तरह चेंज कर दिया गया है इस फेसलिफ्ट में एंड सच बताऊं तो इसे बोलते हैं यार फेसलिफ्ट। पूरी तरह से ये कार बिल्कुल न्यूली डिजाइन कार लग रही है एंड काफी अच्छा लग रहा है इसका फ्रंट फेशिया। बात करूं इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल ऐसी चीज है जिससे ये कार अभी भी आपको पुरानी नेक्सॉन की याद दिलाएगी, बट फिर भी साइड प्रोफाइल में भी कुछ कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि टॉप मॉडल में जाएंगे तो अलॉय चेंज है एंड बात करूं इस वेरिएंट की पर्टिकुलर, तो इस वेरिएंट में जो आपको टायर साइज दिया गया है वो है 16 इंच। एंड बात करूं इसकी प्रोफाइल की, तो इसमें आपको 195/60 R16 की प्रोफाइल मिलती है एंड व्हील कवर आपको इसी वेरिएंट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप स्मार्ट में जाओगे तो वहां पे आपको सिर्फ स्टील रिम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप ये देख रहे हो साइड स्लाइडिंग ये पूरी दी गई है, फुल बॉडी ग्लाइडिंग आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलेगी। और अच्छी चीज है इस ग्लाइडिंग का साइज भी काफी छोटा रखा गया जो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। बात करें ओवर वीएम की, तो इसमें आपको हैरियर इंस्पायर्ड ओवर वीएम देखने को मिलेंगे जिसके इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी यही की गई है एंड देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। बड़े बड़े ओवर वीएम है, काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। उसके अलावा विंडो के नीचे आपको ब्लैक कलर की स्ट्रिप दी है मैट ब्लैक में जो कि काफी अच्छी लग रही है। इससे पहले व्हाइट कलर आता था जो काफी ऑड लगता था, बट ब्लैक कलर काफी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा डोर हैंडल भी आपको मैट ब्लैक में मिलेंगे एंड रूफ रेल्स आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल जाएगी। एंड अगर मैं बात करूं इस कार में मिलने वाली फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इस कार में आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। सो साइड प्रोफाइल से यही कुछ चेंजेस किए गए हैं इसमें। अब चलते हैं इसके रेयर प्रोफाइल में, देखते हैं अब रेयर प्रोफाइल से कैसी लगती है ये कार। सो गाइस, इसे बोलते हैं फेसलिफ्ट। सच में दिखता है इस कार में कि कुछ अपग्रेड करके मिला हुआ है। रेयर प्रोफाइल बहुत ही अच्छा लग रहा है इस कार का। LED टेल लाइट आपको इसमें मिलती है, बट ये जो कनेक्टिंग लाइट है ये ग्लो नहीं करती है, ये सिर्फ एक रिफ्लेक्टर है। एंड अगर आप टॉप वेरिएंट में जाओगे तो उसमें आपको पूरी प्रॉपर कनेक्टिंग LED टेल लाइट देखने को मिलेगी। इसके अलावा सेंटर में टाटा की बैजिंग और डिफॉगर और रियर वाइपर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता, वो आपको क्रिएटिव से मिलना स्टार्ट होते हैं एंड शार्क फिन एंटीना आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। इसके अलावा 2 पार्किंग सेंसर आपको यहाँ दिए गए हैं, मैं इससे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। आपको कम से कम 4 पार्किंग सेंसर देने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है। इसके अलावा रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड कैमरा भी इसमें वेरिएंट में आपको नहीं ऑफर किया जाता। इंफोटेनमेंट सिस्टम है बट कैमरा नहीं मिलता। अब एक बार इसका बूट भी एक्सेस करके देख लेते हैं, बिकॉज बूट में आपको कुछ अपग्रेड देखने को मिल रही है। इस बार इसके बूट में आपको बड़ा हुआ बूट मिल रहा है, 382 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है जो पहले से ज़्यादा है डेफिनेटली। एंड इस वेरिएंट में आपको कोई बूट लैम्प नहीं दिया बट हुक दिए हुए हैं, तो अपना सामान यहाँ पे कैरी कर सकते हो। इसके अलावा बेंच स्टाइल सीट्स आपको पीछे भी देखने को मिलेगी, ये पीछे पूरी फोल्ड हो जाएगी। एंड बात करूँ स्पेयर टायर की, तो सेम प्रोफाइल का स्पेयर टायर आपको दिया गया है, 16 इंच का ही स्पेयर टायर आपको इसके वेरिएंट में देखने को मिलता है। एंड प्रोफाइल भी सेम रखी गई है जो कि अच्छी चीज़ है। एंड अभी ये कार सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस आपको प्रोवाइड कर रही है, 382 लीटर का, जो कि काफ़ी हेल्दी बूट स्पेस है यार सच बताऊँ तो। अब चलते हैं कार के अंदर एंड देखते हैं कार का इंटीरियर कैसा है अंदर से। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर की, तो जैसे आप देख रहे हो ड्यूल टोन का इंटीरियर यूज़ किया गया है एंड ये जो वाइट पार्ट आप देख रहे हो ना ये फैब्रिक है, ये प्लास्टिक नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे विंडो से कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, डोर लॉक एंड ओआरवी में एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल आपको यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा बाहर से इंटीरियर कुछ ऐसा लगता है एंड पर्सनली मुझे ये इंटीरियर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है इस कार का। बस एक चीज़ की प्रॉब्लम है, ये जो वाइट कलर यूज़ किया गया है ना थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल है, बिकॉज ये फैब्रिक है एंड जल्दी ही गंदा होने के चांसेस हैं इसके। अदरवाइज बाकी देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है इसका इंटीरियर। चलते हैं कार के अंदर एंड एक बार अंदर बैठ के भी देखते हैं कि कैसा लगता है इसका इंटीरियर। सो गाइस, ड्यूल टोन में इसका इंटीरियर रखा गया है, वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। जैसे बात करते हैं स्टीयरिंग की, जैसे आप देख रहे हो ग्लॉस ब्लैक कलर की फिनिश यहाँ पे देख रहे हो, ये गंदी हो सकती है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको स्पेशली। यहाँ पे म्यूजिक के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं स्टीयरिंग में, यहाँ पे MID के कंट्रोल्स दिए गए हैं एंड
MID की अगर बात करो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, फुली डिजिटल है, बट ये वो वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है जो आपको टॉप मॉडल पेयरलेस में देखने को मिलता है। इसमें भी आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, बट ये टॉप मॉडल से थोड़ा सा कम फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। एंड बात करें इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम का पुराना वाला ही है, बट पहले से ज़्यादा मुझे इसका रिस्पांस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लैग थोड़ा कम है, पहले में थोड़ा ज़्यादा लैग था, अभी के में लैग थोड़ा कम लग रहा है, पहले से अच्छा है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। एसी विंड की प्लेसिंग यहाँ पे है, एंड यहाँ पे ये जो मैं बता रहा था आपको फैब्रिक में दिया है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे टच बेस्ड एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं, पूरे टच पैनल है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको 12 वाट का सॉकेट, टाइप सी का चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है। इसके अलावा इसके 6 गियर ट्रांसमिशन की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिलेगी। प्योर वेरिएंट से आपको 6 गियर ट्रांसमिशन मिलता है, अगर आप स्मार्ट वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको 5 गियर ही मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाएंगे तीनों, एंड यहाँ पे आपके हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट मिलेगी। इसके अलावा 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। हाँ, एक आर्मरेस्ट की कमी आपको ज़रूर फील होगी। एंड बात करूँ सीट कंफर्ट की, तो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है इसकी, कुशनिंग भी अच्छी है। इसके अलावा फ्रंट सीट में आपको एडजस्टेबल एड्रेस मिल जा रहा है, काफ़ी अच्छी सीट्स है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी। डे नाइट IRVM आपको इस पेरियड में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक रीडिंग लैम्प दिया गया है LED में। इसके अलावा ड्राइवर साइड आपको कार्ड होल्डर मिल जाता है, एंड को पैसेंजर साइज वैनिटी दे रखी है उन्होंने। यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एस वेरिएंट है तो आपको इसमें सनरूफ जरूर मिलेगी, इलेक्ट्रिक सनरूफ विद वॉइस असिस्ट फीचर, एंड मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है ये। इसके अलावा बात करूं यार इंटीरियर, तो सच में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है इस कार का। एंड अगर पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूं, तो इसमें आपको अपनी जरूरत के सारे फीचर्स मिल जा रहे हैं, प्लस सनरूफ जैसा फीचर भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। तो अगर आपको सनरूफ की डिमांड है तो इस वेरिएंट को आप ऑप्ट कर सकते हो। सो एक बार रेयर में चलते हैं, एक बार रेयर कंफर्ट भी चेक कर लेते हैं इस कार का। तो अगर बात करें रेयर की, तो रेयर में आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं एक बार कार के अंदर, एंड देखता हूँ कि अंदर कितना स्पेस और कंफर्ट है इस कार में। तो गाइस अगर बात करें इस कार में स्पेस की, तो आप जैसे देख सकते हो ये सीट्स पूरी पीछे है, बट फिर भी मुझे लेग रूम थोड़ा मिल रहा है, हेड रूम काफ़ी है एंड लेग रूम थोड़ा सा मिल रहा है। सीट्स पूरी पीछे है, तो आप ऐसे जज मत करना कि लेग रूम नहीं होगा। अगर इसको मैं एडजस्ट करूं तो काफ़ी लेग रूम बन जाता है इसमें भी। थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है इस कार में। एंड इसके अलावा रेयर में आपको इस मिनट में एसी वेंट देखने को मिल जाएंगे। एंड स्पेस की बात करूं, तो 2 एडल्ट और एक चाइल्ड इस पे आराम से बैठ सकता है। एंड कंफर्ट भी सीट का काफ़ी सही है। इसके अलावा रिक्लाइन एंगल भी सही है सीट्स का। एंड रेयर से कुछ ऐसा व्यू आता है इसके डैशबोर्ड का, देख सकते हो डैशबोर्ड सच में बहुत प्यारा लग रहा है गाइस। इसके अलावा बात करूं यार, तो 2 हेडरेस्ट तो मैंने आपको बता ही दिए इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं। एंड रेयर सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है इस कार की। डायमेंशन की बात करूं, तो यार डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम रखी गई है कार की, ज़्यादा फर्क नहीं रखा गया डायमेंशन में। हाँ, थोड़ा वेट में फ़र्क आया है, वेट थोड़ी कम हुई है, बट फिर भी स्पेस आपको ऑलमोस्ट पुरानी नेक्सॉन जितना ही इसमें देखने को मिलता है। तो गाइस अगर आप भी चाहते हो इस वेरिएंट को ऑप्ट करना, तो मैं कॉन्टैक्ट पर्सन और शोरूम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हो, और इस कार के बारे में जो भी क्वेरीज हो आप उनसे पूछ सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।